नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। होली के पर्व पर जिले में शराब की जमकर बिक्री हुई। आबकारी विभाग के अनुसार देसी शराब की कई दुकान व गोदाम खाली हो गए और जिले को शराब मुहैया कराने वाली डिस्टिलरी डिमांड के अनुसार माल उपलब्ध ही नहीं करा पा रही है। जिले में देसी शराब के कुल 303, अंग्रेजी की 132 और बियर की 105 दुकानें हैं। जनपद में पिछले दिनों भारी मात्रा में देसी शराब बिक्री का असर यह हुआ कि जिले में देसी शराब की कई दुकान व आबकारी विभाग के गोदाम पूरी तरह से खाली हो गए। डिमांड के अनुसार डिस्टिलरी शराब जिले में उपलब्ध नहीं करा पा रही है। आबकारी विभाग के 7 गोदाम में 6 गोदाम देसी शराब खाली है। मात्र एक गोदाम पर एक ट्रक माल आया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी 5 दिन शेष हैं। ऐसे में शराब उपलब्ध न होने से ठेकेदारों को नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है, तो वहीं सरकार के राजस्व पर भी इसका असर पड़ रहा है। अंग्रेजी शराब व बियर की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन देसी शराब की कमी जिले में देखने को मिल रही है। इस किल्लत को दूर करने की कवायद में आबकारी विभाग जुड़ा हुआ है। आइए सुनते हैं मामले में जिला आबकारी अधिकारी ने क्या जानकारी दी। नहीं, अंग्रेजी शराब और बियर में तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन देसी शराब में इस बार पूरे प्रदेश में दिक्कत रही है और इस समय भी है। आज 27 तारीख है, अभी 5 दिन है इस वर्ष के समाप्त होने में, और हमारे गोदाम पर आज एक गाड़ी आई है। 7 गोदाम है, बाकी 6 गोदाम पर शराब नहीं है, कई दुकानों पर शराब नहीं है। हालांकि आज लगभग 4 गाड़ियां आने को हैं, लेकिन बिल्कुल उतना बड़ी ही विचित्र स्थिति है कि हमारे आती नहीं है, उससे पहले ही तय हो जाता है कि किन किन को देना है। मुख्य मुद्दा यह है, मेरा ये कहना है कि मांग के अनुसार देसी शराब की मात्रा सप्लाई में कमी है इस समय। डिस्ट्रीब्यूटर से कहा गया है, इसमें हमारा जो मुख्यालय है वो भी काफ़ी कंसर्न ले रहा है, और आज तक कोई आदेश आ जाएगा कि भराई की जो तिथि है अगले साल वाली, उसको तो डिले करेंगे। और इस साल अभी भराई रोक दी गई थी, 28 के बाद भराई नहीं होनी थी इस साल की शराब, उसको एक दिन और बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग उसको किसी तरह से मीट आउट करेंगे, लेकिन ये सही है कि देसी शराब में जो मांग रही है वो कम, सप्लाई में कमी आ गई है, सप्लाई हो नहीं पा रहा है। अब ये कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि होली में इतना मिल गया है कि अब एक दो दिन मान लीजिए कि उसको किस तरह कहा जाए। होली का त्यौहार खत्म हुआ है, तो इस तरह से अब इस बार होली के त्यौहार में जनपद आजमगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश में बहुत ही अप्रत्याशित वृद्धि हुई है राजस्व में, अप्रत्याशित बिक्री हुई है शराब की। और अगर मैं आजमगढ़ की बात करूं तो आम तौर पर प्रतिदिन 2.25 लाख का राजस्व, 2 करोड़ का राजस्व मिलता था, जबकि होली के दौरान 3.80 करोड़ का राजस्व हमको प्राप्त हुआ है। जी हाँ, निश्चित रूप से होली में शराब ज़्यादा बिकी, तो स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार को उसी के अनुपात में राजस्व भी मिला है, तो राजस्व में काफ़ी अच्छी प्राप्ति हुई इस बार होली में। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।